आज मोतिहारी सांसद सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह ने मोतिहारी सदर अस्पताल के अंदर कोविड केयर सेंटर में चिकित्सा कर्मियों एवं पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि कोरोना के इस महामारी में एकमात्र मोतिहारी का ऐसा यह अस्पताल है जहां कभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई। ऑक्सीफ्लोमीटर का अभाव था, आज हमने 30 अदद ऑक्सीफ्लोमीटर मुहैया करवाए हैं। यह उपकरण रोगी को प्राणवायु दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अग्रिम मोर्चे पर जो चिकित्सक एवं सरकारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी 50 रेस्पिरोमीटर एवं 10 प्रमुख चिकित्सकों के लिए नैनो फेस शील्ड भी उपलब्ध कराई है। श्री सिंह ने कहा कि इसके पहले अलीराज पहाड़पुर चकिया एवं केसरिया को भी मैंने ऑक्सीफ्लोमीटर उपलब्ध कराया है। मेरे क्षेत्र में जिला प्रशासन एवं चिकित्सा कर्मी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मेरी अपील है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से जनता को जागरूक करने का काम करें तथा संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। जनता को जागरूक कर उन्हें साथ लेकर ही इस संक्रमण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, जिला महामंत्री डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद एवं मार्तंड नारायण सिंह, प्रवक्ता संजीव सिंह, जिला संयोजक आईटी पंकज सिन्हा एवं जिला प्रशासन सदर अस्पताल के सीएस सहित अन्य लोग उपस्थित थे। संवाददाता राजन द्विवेदी की रिपोर्ट। नहीं, उसका नहीं है।